अब ये डॉग है, इसको ये खड में मिला है वॉक्स पे ना, इसकी गर्दन पूरी हो रखी है प्रॉब्लमैटिक सी, और इसका करना है ट्रीट ऑन स्ट्रीट। अभी वहां से यहाँ तक तो आ गया है, अब यहाँ पे घबरा रहा है। इधर इधर ऊपर क्या हो गया तेरे को? आ जा, अच्छा इधर इधर आ जा, पुल में पकड़ लेंगे ना इसको। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा फिर ये रिलैक्स है। गुड गर्ल चटोरी, लेके जा इसको, लेके जा, लेके जा इसको, लेके जा। थोड़ा सा काटने की कोशिश करता है। मैं इसको सुबह एलोवेरा तो लगा दिया है, पर इसको बेटर ट्रीटमेंट चाहिए। चटोर हुआ, इसको थोड़ा कन्विंस कर। अच्छा बेटा, दर्द यार। और तुम लोग फिर वापस जाके ना गूगल रिव्यू छोड़ोगे, वहाँ पे पीपल फार्म वालों ने मेरे साथ ये किया। हाँ क्या? और फिर ये होगा, वो तो भगवान की कृपा थी मैं ठीक हो गया। उन्होंने तो मेरा गला दबाने की कोशिश करी, तरह तरह के यंत्र लाए, औजार लाए। बेटा परसेप्शन में फर्क होता है। तुम गर्दन से पकड़ लो, तुम मज़ल कर ले। ओके, विक्की आ गया। थैंक्स विक्की, मैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम इसका शूट कर लो। यार ज्योति, हम लोगों को एक वीडियो बनाना चाहिए ठीक ठाक सा, कि भाई जो इंडिविजुअल रेस्क्यूअर को ऐसे कुत्ता मिले जो कि जो फीडर के साथ नहीं है फ्रेंडली या कुछ, तो उसको कैसे काबू में लाएं। हम कोई चीज़ उनको बोल रहे और अगर वो उसके अकॉर्डिंग चले, और वहाँ पर कई बार डॉग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कई बार स्नीकी होते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा वही होता ना कि एक्सपीरियंस खुद का ही। चलो आप ये मज़ल तो लेके रखो ही ना, और एक पट्टी से मुंह बांधना आप सीख लो। पट्टी से मुंह बांधने वाला वीडियो तो बना सकते हैं अपन, ठीक है? हम टेक्निक्स बता देंगे, बाकी कौन सी टेक्निक या रणनीति आपने अपनानी है वो तो युद्ध पे डिपेंड करेगा। है क्या सर इसको? कुछ पता नहीं, गर्दे पे कुछ रगड़ा है, काटा है, कुछ इन्फेक्शन हो गया। ए हिमांशु, डेढ़ गुना, तीन गुना लगाम देना होगा। हाय डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसा है आपका दिन? छोड़ देना बात, अभी से शुरू हुआ है, देखते हैं। वेट वेट वेट, ये क्या हो रहा है? आप वीडियोस देख तो रहे हैं पर आप वीडियोस लाइक नहीं कर रहे, और मुझे ये भी नहीं पक्का कि आप हमारे साथ सब्सक्राइब्ड भी हैं या नहीं। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, और ये भी बताइए कि आप कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अपने मीडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं जो आपके आंसर पर डिपेंड करेंगे। सर अपडेट में चलेंगे अभी? यार हम क्रंच में है, हमारा आज व्लॉग भी रिव्यू करना है मैंने। चलो एक्चुअली ये आगे मैं कर लूँगा, ठीक। तो वो क्या है अंदर कैनल में? कैनल में सर कल रात को आए थे ना? नहीं ये हाँ ये कल रात को डॉग लेके आए थे ना, वो कल रात को डॉग लेके आए हो, जिसके वो पिग ट्रैप नहीं था? हाँ वो ऐसे गंदे वाला, गत्ते वाला, वो वाला डॉग है इसमें। ऐसे लोग चाहिए मुझे जो डे ऑफ ऐसा लें कि उस दिन तनख्वाह नहीं जा रही इनको, पर ये तब भी उपस्थित। मैं क्या करूं यार, मैं नॉन प्रॉफिट चला रहा हूं। नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूं। ओ ओ एक सेकंड गौरव, एक सेकंड, इनको पता है छोड़ना कहाँ है इसको? गाड़ी में लेके आते हैं यहाँ पे इतनी इतनी दूर से, फिर हम रिलीज करके आते हैं गाड़ी में, तो हम तो उनको एकदम ऐसे किडनैप करके लेके आते हैं ना, उनको पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, फिर वो वापस कैसे यहाँ पहुँचते हैं? स्मेल स्मेल मेल से फिर वो पता लगा लेते हैं। वाह स्पेल से खतरनाक। तो मोना भी तो सर ऐसी आई थी ना दो तीन बार, वही तो पता नहीं, मोना ने बताया नहीं ना आई कैसे, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आ रहे हैं। वो डॉग जो है वो जिसपे आपने नकाब सा चढ़ा रखा है, सर उसको कल रेस्क्यू किया ना, पिक ट्रैप केस, पिक ट्रैप है और वो रखा है पिक ट्रैप में, दिखाते हैं उनको। और ये सब बंद था, ये खुला, हाँ ये इसका पैर बीच में फंसा हुआ था। फिर ऐसा हमारे देश में क्रूअल लोग हैं, पर फिर भी अंग्रेजों से कम क्रूअल हैं, क्योंकि जब विदेश में ऐसा ही ट्रैप होता है उसके दांत भी होते हैं। हाँ सर मैंने देखा कार्टून्स में।
कार्टून की हर चीज मत विश्वास कर लिया करो। देखो कार्टून में बताता हूँ, बग्स बनी गाजर खाता है जबकि खरगोशों को गाजर नहीं देनी चाहिए। हाँ टोटली मिथ है ये, उनके लिए बिल्कुल गाजर अच्छी नहीं है। गाजर के पत्ते जो होते हैं ना वो फिर भी बेटर होते हैं। हाँ गाजर अच्छी नहीं है अंग्रेजों के लिए, सॉरी खरगोशों के लिए। अच्छा तो इसका अब हमने करना क्या है? हमने उसको केज में ही रहने दिया क्योंकि अग्रेसिव है, सुपर अग्रेसिव डॉग है। शांत हो जाएगा, शायद पेन में था इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि जब हमने निकाला ना ट्रैप तो वो थोड़ा काम हो गया था। हाँ जी मेरा भी हाथ पैर अगर ट्रैप में फंसा, मूड तो मेरा भी अच्छा तो नहीं हुआ। और ट्विस्टेड का डायग्नोसिस भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो एम्पुटेशन केस ही लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो फ्रंट लेग है ना, इवन एक पपी होने के बावजूद वो इतना मोटा है, इतना पुराना है उसका इंजरी, और वो पेन के साथ मतलब रहना सीख गया है। तो वो डॉग बहुत फ्रेंडली है पपी। सर उसका पैर मोटा क्यों हो गया, मतलब वो फाइब्रोसिस है या कुछ या जस्ट स्वेलिंग है? एडिमा की वजह से फ्लूइड होता है, लेकिन वो बहुत थिक फ्लूइड है, मतलब उस फ्लूइड का। अच्छा एम्पुटेशन केस ही है बेसिकली। तो ये जो फ्लूइड हम निकाल नहीं सकते, ड्रेन नहीं नहीं सर, ये फ्लूइड ऐसा नहीं है, इतना पुराना हो गया कि अगर शुरुआत में हमें पता चलता तो कम से कम एंटीबायोटिक से वो या निकाल के वो सब चीजें हो सकती थी। उसको फ्रैक्चर भी था ना, तो वहाँ पे कैलस भी बना हुआ है साथ में, तब वो इतना ज्यादा हार्ड है। मैंने भी कभी इतना हार्ड वो नहीं देखा, पंजा अलग है, मल्टीपल फ्रैक्चर। ये वो भाई साहब है अपने गैंग के साथ, जिनका हमने कल क्लिनिक में इलाज किया। आज तो बहुत बेटर लग रहे हैं ये, एक दो दिन में थोड़ा शांत हो जाए, दोबारा से हमारे साथ खेलना वेलना शुरू हो जाए, फिर मैं इसको एलो लगाना शुरू करूंगा यहीं पे। इनके अपने गैंग वॉर चल रहे हैं। कुछ है आज? आज हम लोग बर्तन मांज रहे हैं। नहीं सर, लाइम सल्फर जो हमने डिसाइड किया था फर्स्ट स्किन कंडीशन वाला, उसमें बात दे रहे हैं ना लाइम सल्फर। सल्फर हुआ आपका गंधक। लाइम सल्फर एक दवाई मेंज और टिक्स और लाइस के लिए डॉग्स में। जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं उसको कितने पानी में डाइल्यूट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो स्किन के लिए बहुत हार्श हो सकता है। तो इसका डॉक्टर से लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है ना, सिर्फ लाइम सल्फर आप लगा। हाँ हाँ मैं वही बता रही हूँ। किस डॉग का करेंगे सबसे पहले? जैन, हमारा पागल वाला। बस एक मिनट बच्चा, पता है मेरे को खून निकला है तेरे को। मेरी जैन, मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर अनीशा, जैसे अब हम हंसी का करेंगे तो वी हैव टू मेक न्यू सॉल्यूशन। नया सॉल्यूशन, क्योंकि मेरी जैन एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है, और हंसी दूसरा डॉग दूसरा संक्रमण है। अगर हम मेरी जैन का बात यूज करना हंसी के साथ क्रॉस इन्फेक्शन रिस्क है। मैंने वो पॉली हाउस उसके बाद पॉली हाउस फाड़ दिया उसने, फाड़ लिया उसने, दरवाजा खोला उनके मुंह से अंदर। मैंने उधर पहुंचा ही कैसे? वो गेट क्रॉस कर गया, खा गया चीजें, खा गया खत्म, मिर्ची खा गया, उधर लोग साथ में मिर्ची खा गया। दोलतराम ने सुबह बताया बेड खराब कर दिया उसने, पॉली हाउस के मिर्ची ऊपर से खा गया, उसी में चला गया था मैं, तो मैंने खोल के उसे निकाला उसे। हाँ मुझे आवाज आई थी क्योंकि हमें पता था कि कोई निकला है ना भूली, उत्तर में दौलतराम जी की आवाज आई, भूली या नैनो मुझे पता नहीं था। क्या सीन हो गया सर? यार हमारा जो यहाँ पॉली हाउस है ना, मटर लग गए यार। तुम्हें पता है मटर का क्या होता है, जब तोड़ो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, और 6 घंटे के अंदर अंदर इसकी जो शुगर्स होती है ना वो स्टार्चेस में तब्दील हो जाती हैं, और तभी मटर का टेस्ट 6 घंटे के अंदर अंदर चेंज हो जाता है। तुम खा के देखो, इतना मीठा मटर तुमने अब तक ना खाया हो, अनलेस खेत से कभी तोड़ के खाया हो। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ना, तो बस इतना करना है कि बंदा निकल जाए यूं करके। इतना ये इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो गए हैं? संजय भैया देखो वीगन डाइट पे भी क्या जबरदस्त है। संजय भैया कितने साल के बाद 51 का हो गया, पर ये तो अब तो निकालना पड़ेगा भैया। फोन किया हमने, नहीं बहुत निकल जाएगा ना, मैं भी ट्राई करना चाहूंगा। ले ला लो, चलो कोई मोटा आदमी है वो निकले ना, साइड हो के निकलना है ना हमने तो। ये हमारा पॉली हाउस है ना जिसमें घुस गया, बोल के देखो पॉली हाउस। मैं नहीं दुख होगा मुझे। मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं इसमें कैसे घुसे, कुंडी नहीं लगी हुई थी? ये खोल लेता है यार, मुंह से खोल लेता है। हाँ
नहीं ज्यादा नुकसान नहीं करी, ये ऊपर से खाई मिर्ची वैसे पत्ते खाए। थैंक यू जी। मुझे तू खाना देखिए नाश्ता करके आई है ना अपना चटोरी अपनी रोटी खा चुकी है पर इसको साथ में देनी पड़ेगी नहीं तो जेलस हो जाएगी। डॉक्टर अनीशा से भी लगान मांग रहे हैं। तीन गुना लगान देगा। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर। अच्छा हे इसका कम हुआ है आहट का है ना। हाँ आपके पास नंबर होंगे बेसिकली तो हुआ है क्या फॉर्म में नंबर्स हैं सर है ना। हाँ जी पर विक्की कह रहा था कि आप लोग वो कराए हो कैसे नजर आ रहा है अच्छी लग रही है दुनिया तेरे को किसी बैल का आप ऐसे ही रस्सी में। हाँ कल एक केस था जिस बैल को बहुत टाइट रस्सी बंधी थी। आई एम नॉट श्योर कि वो मेटल का था या प्लास्टिक का था सर रस्सी थी ना। कतरन दिया कतरन दिया आप लेके जा रहे हो ना इनको हमें इसकी रस्सी काटनी है आप इसको मत लेके जाओ अपने साथ। रस्सी फंसी है इसके गले में। हाँ जी किसने डाल दी पता नहीं किसने डाली वो नहीं पता देखा था सुबह। अंकल जी डराओ मत उन्हें गाड़ी वाले अपनी स्पीड पे चले रहते हैं अगर ये हल्की सी भी इसने हरकत की अगर रोड की साइड भागा ना देख ही रही है रोड कैसा है यहाँ पर तो चांस ही नहीं है कोई बोले कि हल्की स्पीड में चले कोई खुले एरिया होता तो आप वहीं तो कुछ ना कुछ करके कोशिश कर लेंगे। रस्सी भी है हमारे पास गन चाहिए। हाँ तो अब साहिल भाई आ गए हैं। साहिल भाई कैसे आए हो आप। मैं इस पे भाई नहीं किस लिए आए हो। वो बैल को डार्ट गन यूज करने। अच्छा डार्ट गन आपने ट्रेनिंग दी तो थी नवीन भाई और चाचा को। हाँ तो आज आप चलाओगे या चाचा चलाएंगे देखते हैं। साहिल इधर से चल साहिल इधर से चल आगे से जाएंगे पीछे भागे उधर से मारोगे इधर से मारोगे पीछे भागे। भाई इसमें जिसने छोड़ सही इधर को पास के ले ले। बैठा ना ऊपर ऊपर खड़ा रखा घाप तो नहीं ना घाप तो कोई नहीं हमारा खेत का सामान निकली है ब्रोकली धनिया सलाद पत्ता गाजर टमाटर शलगम भी निकले हैं और मटर भी उतारने हैं आज। अरे उतारे सर सब कुछ उतारना सब कुछ ठीक है ठीक है। ओ वेरी गुड गोभी उतार दिए थोड़ी एक क्रेट ठीक है और एक थोड़ा सा निकलेगी मैं सोच रहा हूँ दूसरे या तीसरे दे दूंगा उसको ठीक है। पिछले बुधवार हमने एक वीडियो डाला था कि भाई जिन मुर्गियों को कैंसर होता है उनके साथ आखिर क्या होता है तो इस पे दो कमेंट्स बहुत उभर के आए कि भाई मुर्गियों को तो बड़ी ही कम उम्र में काट दिया जाता है तो उनको कैंसर होने का मौका ही कहाँ मिलता है। देखिए मैरिक्स डिजीज जो मुर्गियों का एक कॉमन कैंसर है मुर्गियों को 4 हफ्ते में भी हो जाता है और मुर्गियों को काटने में तो 26 से 40 दिन का समय लोग लेते हैं। दूसरा ये था कि भाई पौधे खाने वालों को क्या कैंसर नहीं होता पौधों में भी तो इतनी पेस्टिसाइड्स होती है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप पौधे खाते हैं प्लांट बेस्ड खाते हैं तो आपको कैंसर हो नहीं सकता पर हाँ वो चांस नॉनवेज खाने वालों के कंपैरिजन में कम है। रही बात पेस्टिसाइड्स की तो बिल्कुल पौधों से हमें पेस्टिसाइड्स मिलती हैं पर मान लीजिए मैं अगर महीने में 10 किलो अनाज खाता हूँ तो मुझे कम पेस्टिसाइड्स मिलेगी लेकिन अगर मैं जानवर खाता हूँ जिसे 100 किलो अनाज खिलाया गया होगा तो मेरे को 100 किलो की पेस्टिसाइड्स कॉन्सेंट्रेट हो गए मास से मिलेंगी। जो एक कमेंट हमारे कुछ और वीडियोस पे आया है वो ये कि अंडे की ट्रे आपके ऑफिस में क्या कर रही है। भाई अंडे की ट्रे खरीदने में तो कोई क्रुएल्टी नहीं है और ये अमन ने खरीद रखी है इससे इसका लैपटॉप जो है ठंडा रहता है एक स्टैंड का काम कर रही है। आपका वेट थोड़ी करना है थोड़ा सा जा 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 बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय शंकर बोले भोलेनाथ सबके साथ। भाई इतने पेड़ कटेगा पूरा सारा मैं खिल गया
अभी खींचना नहीं है, खींचना नहीं। हाँ हाँ अभी नहीं। छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया, छोड़ दे। आपने इतना बड़ा पेड़ काट दिया अकेले ही चाचा? थैंक यू चाचा। वो गाड़ी आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। ये पेड़ हमें यूं काटना पड़ा कि ये हो गया था टेढ़ा और हमारे डाइनिंग हॉल पे था ये गिरने को। अब पेड़ अगर उगा ही टेढ़ा हो ना तो उसकी जो जड़ें हैं उसको काउंटर बैलेंस कर लेती हैं और पेड़ को स्टेबल रखती हैं। ये हुआ बाद में टेढ़ा और इसलिए ये खतरा बन गया था। तो अब यही है कि जो इसकी लकड़ी है हम जो काव शेड बनाएंगे, कोई कमरा बनाएंगे उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। जो लकड़ी हमारे काम की नहीं थी उसको हमने फाड़ लिया है, वो चूल्हे में डॉग्स के खाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो मैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमें मजबूरी में करना पड़ा। पर यही है कि हम चाहेंगे कि भाई इसकी मैक्सिमम गुड यूटिलाइजेशन हो जाए। दौलत राम जी क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हल्दी की धुलाई हो रही है सर। यार ऐसे मत करो आप, उसको बेचारी को दर्द होगा। उसको हल्दी को? हाँ नहीं होगा इसको दर्द। फिर क्या करेंगे इसका? उबालेंगे। उबालेंगे फिर ये काटने में। फिर अब पूरे तुम बोलो। उसके बाद बाहर भेजनी है। फिर भैया माता बना। क्या वो भी डॉग को? वो पैरालाइज है पहले से। आपका डॉग है? नहीं नहीं हमारा नहीं है। बाहर निकालते हैं। वो रुका बात से बात से। इसके बेबीज थे ना तो वो फीडिंग के लिए जब सामने आ रहे थे तो ये उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद ये गिरी और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं पॉजिटिव। क्या हो गया है? तो पहले लेके तो गए थे इसको पालमपुर में, इसका एक्सरे वगैरह करवाया हमने। टूट के जुड़ चुकी है पूरे स्पाइन में, तो आगे सेंसेशंस नहीं थी। चांसेस भी कम ही है सर। मतलब हो सकती है रिकवर तो ठीक है, नहीं तो मुक्ति, क्योंकि हमें भी पता है ये सांस लेने में भी इसको दिक्कत हो रही है। इसकी शक्ल देख के पता चलता है जब ये सांस लेती है ना इसको पीछे पेन होती है। अब जो जो आपको ठीक लगता है वो कर दो। अभी तो हम इसको लेके जाएंगे ना साथ में, पर यहाँ तो वैसे भी नहीं। और ये हमारा अपना बंदा भी आ गया। इनके भी हम बहुत बड़े फैन हैं। विक्की के ये बड़ी अच्छी वीडियोस। अरे विक्की आ तो बन गया। तो ये अपनी गौशाला चलाते हैं। आप बता रहे थे आप लोग हैं, चार लोग बजरंग दल से हैं और आठ लोग सोशल वर्क करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं। लास्ट वीक हमें एक इतना ही बड़ा वो मिला था, उसकी दोनों लेग्स फ्रैक्चर हो चुकी थी, हड्डियां निकल गई थी, उसकी हमने अभी सर्जरी करवाई है। वो वेटरनरी ही डॉक्टर है ना वहाँ के, लोकल पांच छह उनके सामने लिंक रखा है, वो आते हैं उनको हम बुलाते हैं तो सर्जरी भी कर देते हैं। हाँ जी विदाउट एनी कॉस्ट। और जब ठीक हो जाते हैं फिर आप क्या करते हैं? हम छोड़ते नहीं है, हम छोड़ते नहीं है। होते जा रहे हैं आपके? होते जा रहे हैं। कितने हो गए? 70 बता रहा हूँ। हमारे पास दो गौशाला है, मतलब एक हमारा फ्रेंड चलाता है उनके पास है 100 प्लस, हमारे पास 70 प्लस है। ओह नाइस यार। अब देखो हमारे लगभग 500 केस होते हैं साल के, है ना, तो आप 250 भी लगा लो गाय बैल हैं तो इकट्ठे करने लगे तो अब तो पागल हो जाएगा। नहीं मैंने आपका सुना, आपने बोला था अभी इकट्ठे नहीं कर सकते हो। नहीं हम तो वही है कि भैया रेस्क्यू रिकवरी रिलीज। नहीं बट हमें सच में आपसे ना बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया 5 मिनट का, बट हमें बहुत अच्छा लगा सर, मजा आया। सेकंड टाइम आया हूं आपसे सर। हां वीडियो बन गया, फोटो भी हो जाएगी, फोटो भी हो जाएगी एक। फोटो में ऐसा ना हो कल को मैं बदनाम हूं, आप मेरे साथ बदनाम हो जाओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने आपसे ही सीखा है कि काम अपना करो, दुनिया का बोलने का काम। वो दुनिया देखने लगे तो वहीं पे रह जाएंगे। और भी बहुत से रेस्क्यूअर्स हैं जो यहाँ आ तो नहीं पाते पर हमारे साथ अपने रेस्क्यू वीडियोस शेयर जरूर करते हैं। ऐसे ही एक रेस्क्यूअर हैं पंजाब के हंडसेरा गांव के विनय जी, जो वैसे तो सरकारी मुलाजिम हैं पर अपने दोस्तों के साथ बड़े सारे रेस्क्यूज करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बछड़े को कूड़े के ढेर से उठाया, उसकी दवाई करी, बछड़े ने उनके साथ आग तापी और फिर जब बछड़े में थोड़ी ताकत आई, उसने थोड़ा वैल्यूड महसूस किया, फिर वो अपने रास्ते चला गया। नहीं हुआ सर, सर दर्द ठीक। पर हमारी आज की जो मिलियन सब्सक्राइबर वाली पार्टी है उसकी सारी तैयारी, मेरी चप्पल रह गई नीचे, शिवानी ने करवा दी है। वीगन कीमा और जो सोयाबीन वगैरह का है जाहिर सी बात है, चावल है, और बिंद्रेश ने सारी कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर दी हैं, जिंजर एल और टैमरिंड सोडा। ओह हमारे काम के उतने फ्रेश मटर। हाँ ये मीठी थी कल आपने खिलाई थी ना, अभी भी मीठी है यार। हो जाएगा हमारा शाम तक ना।
नहीं मुश्किल लग रहा है? हाँ मेरा तो बी रोल तो लग ही रहा है अगर विक्की टाइम से ऑडियो कर दे अभी। मतलब कहना क्या चाहते हो तू? कह ही दिया तुझे वो कहना चाह रहा था। बड़ा शूटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, काम कर लो। कट करू ना सर? हाँ जी। सो हेयर्स आवर मीडिया टीम, हमारी हिंदी में इंग्लिश नहीं मतलब यार हिंदी निकलने वाली थी। तो ये रही हमारी मीडिया टीम और उसके मेंबर्स जो आज 1 मिलियन फॉलोअर्स की सेलिब्रेशन में निकले हैं। कहाँ की तरफ भाई? खट खट चम्बी खट। इनको पता नहीं होगा ना खट क्या होता है। स्ट्रीम सर, आज हम मेरी वाला पार्टी बाहर शुरू नहीं किया रेस्टोरेंट में क्योंकि तुम सब लोग कोऑपरेटिव हो, तुम्हें पता है कि मैं अपना सफरिंग बंद कर रहा सम जनरल एंड टाइम रिटर्न। ये देख के मुझे वो फूड वीडियो याद आ रहे हैं जो फेसबुक पे चलते नहीं वो बिरयानी वाला ये वाला। कुछ कुक कर रहा है मैं क्या? सॉरी मैं रोल पहले। ओके ये चावल और वीगन कीमा सोया बेस बहुत टेस्टी है। हाँ अबे आग कहाँ चल रही है, तू नहीं जानी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ 14th February वाला जो आइडिया है काओ हक डे, अचानक से मुझे ये प्यार कैसे हो गया एंड इट्स लाइक वन डे ऑफ द ईयर, हाउ इज दैट गोना मेक एनी डिफरेंस? तुम्हें लग रहा है कि हरासमेंट है तो अच्छा है, एक दिन हो रहा है 365 दिन नहीं हो रहा। दूसरा हम इस बारे में वीडियो बनाने लगे कि कौन सी गाय को जाके आपने चिमड़ना है और कौन सी गाय को नहीं। ऐसा किसको नहीं भाई, जो सड़क पे गाय है बिचारी जो भूखी है जिसने कभी आज तक देखा नहीं इंसान का प्यार, तो उससे थोड़ा तुम जाके करोगे। यहाँ पे खाना देते हो तो वो आ जाती है तुम्हारे पास, पर ऐसे जाओगे तो डरेगी, लात भी मार सकती है सींग भी मार सकती है। पर जैसे जो गाय रेस्क्यू हो रखी है हमारे यहाँ पे है किसी अच्छी गौशाला में जिसने इंसान का प्यार देखा है, जाओ उसको हक करो, है ना, काफी रिलैक्सिंग होता है। हमने 2 साल पहले यहाँ पे किया था काउ कर्डलिंग तुम्हारे कोविड से पहले। ये तो बात रह गई कि अब हमारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए, सॉरी अब हमारे मिलियन ये बात तो रह गई हमारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं ऑफ कोर्स, और हमें उनसे बहुत प्यार है, लेकिन जो 10,000 लोग हमारे ब्लॉग को एंड तक देखते हैं उन्हें हम अपने घर की बातें भी बताएंगे। बराबर बराबर।